भीड़ है, जो रोम बना हुआ है वहां पर बनी हुई दिखाई दे रही है। और वो महारैली नजर आ रही है, महागठबंधन में महारैली करते हुए शासन जो है वो व्यवस्थाओं को संभाल नहीं पा रहा है। यही कारण है जो भीड़ में महिलाएं थी उनके साथ अभद्रता हुई और अब वो महिलाएं आक्रोश हो गई, नाराज हो गई और भीड़ की उसी पर वो डंडे बरसाते हुए नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है, पुलिस व्यवस्था नहीं है क्या? नहीं तो पुलिस नहीं देख रही है। आगे आइए, इधर आइए, क्या आइए। लेडीज को परेशानी हो रही है, धक्का मुक्की हो रही है। तमाम सेकुलर पार्टीज के अलायंस पार्टनर्स के सरबराहान इस कोशी और सीमांचल से आए हुए तमाम किसान मजदूर नौजवान भाइयों, आपके बीच में यह रैली इस बात की गमबाजी करती है, इस बात का उदाहरण पेश करती है कि बिहार का समाज और बिहार की पॉलिटिक्स में आज के जो अधिनायक हैं देश के, जो बने हुए हैं, उनकी बिहार की सरजमीन पे कुछ नहीं चलती है। चलती है तो यहां महागठबंधन की, चलती है तो यहां सामाजिक न्याय और सामाजिक एकता में यकीन करने वाले लोगों की। इसलिए इस मंच के माध्यम से ये बात बहुत साफ है और रायपुर से जहां के कांग्रेस पार्टी का ऑल इंडिया अधिवेशन चल रहा है और हमारे पार्टी के बिहार के अध्यक्ष मेंबर ऑफ पार्लियामेंट माननीय अखिलेश जी तो कांग्रेस पार्टी के आला अधिकारी ने, मतलब अध्यक्ष ने, खड़गे जी ने भेजा कि जाइए और संबोधन कीजिए। जो अलायंस बिहार में है, इसी अलायंस की जरूरत और इसी अलायंस को आगे बढ़ाने की तैयारी हम लोग वहां अपने उस मंच पे ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी के मंच से कर रहे हैं। मन बना के रखिए, धीरज बना के रखिए, जीत अपनी पक्की है, ये तय है। तेरा हाथ हाथ में आ गया कि चराग राह के जल गए, मुझे सैल हो गई मंजिलें कि हवा के रुख भी बदल गए। ये हवा के रुख बदलने का वक्त है, बदलिए हवा के रुख को, बदलिए देश और समाज को। ये समाज आपका है, सामाजिक न्याय और सामाजिक एकता का समाज है। बहुत बहुत शुक्रिया, जय हिंद।